हमारे साथ स्पोर्ट्स प्रोमोटर पैटर्न डॉक्टर फरहान ईसा साहब मौजूद हैं। ये टूर्नामेंट एक होने जा रहा है, एशियन अंडर 14 ATF जूनियर टूर्नामेंट है। इसके हवाले से इन्होंने बड़ी कोशिश की है और इस टूर्नामेंट को स्पॉन्सर भी कर रहे हैं, इनसे जानेंगे। फरहान साहब, एक टूर्नामेंट के हवाले से पहले थोड़ा बताएँ, फिर दीगर बात। ये ATF का रैंकिंग टूर्नामेंट है, इंटरनेशनल रैंकिंग इवेंट है, जो कि रोटरी भी इसको सपोर्ट कर रहा है। और इसका मकसद ये है कि हमारे पास अंडर 14 के जैसे बच्चे जो बाहर जाते थे रैंकिंग पॉइंट्स लेने के लिए, उनको वही अपॉर्चुनिटी कराची में मिल जाए या अपने मुल्क में मिल जाए। और जैसे विनर को 200 पॉइंट्स मिलेंगे और जो रनर्स अप है उसको 133 पॉइंट्स मिलेंगे, तो उनकी इंटरनेशनल रैंकिंग्स को इम्प्रूव करेगा, क्योंकि इंटरनेशनल रैंकिंग में ड्रॉज उसी हिसाब से होते हैं। सेकेंडली चीज़ ये खेलने की अपॉर्चुनिटी होगी। हम तो ये चाह रहे थे कि इस वक्त कम से कम 35 बच्चों ने दुनिया से रजिस्टर प्लस ने रजिस्टर कराया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़ाहिर है कि उन्होंने अभी फ़िलहाल विड्रॉ किया है। लेकिन ये इवेंट्स हम बदस्तूर करते रहेंगे, क्योंकि इसकी आहिस्ता आहिस्ते हाइप क्रिएट हो रही है, और हाइप क्रिएट होने से हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल प्लेयर्स आएँ और पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल इवेंट्स हों, जिससे हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको भी मौका मिले कॉम्पटिशन का, और सेकेंडली जो है वो पाकिस्तान का नाम भी बड़ा हो कि यहाँ पे एक सेफ जगह है। तो ये दो मैसेजेस के लिए हम लगे रहेंगे और कोशिश करते रहेंगे, इसके इसी का एक कड़ी है ये। साहब, अब रोटरी बहुत एक्टिव हैं, अगले साल सदर भी बनने जा रहे हैं सिंध और बलूचिस्तान के, तो रोटरी मुख्तलिफ जगह भी उसकी शाखें हैं, तो क्या उसकी कोशिश है कि टेनिस को भी मुख्तलिफ जगह पर ग्रास रूट लेवल से थोड़ा सा मकबूल बनाया जाए, इसके लिए काम किया है? क्योंकि ये खेल में खिलाड़ी सामने नहीं आ रही, महंगा खेल कहा जाता है इसको, इसके लिए क्या कर रही है? यानी स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, कम से कम यूनिवर्सिटी पे भी नहीं है, कराची में इतना पॉपुलर नहीं है। देखिए, इसकी इसलिए हमने रोटरी को इन्वॉल्व किया है क्योंकि रोटरी का एक क्लब जो है उसके तकरीबन 100 क्लब्स हैं सिंध एंड बलोचिस्तान के अंदर, जो जैकबाबाद, समारोह, खिप्रो, कुनरी, नौशेरा फिरोज, खैरपुर, सक्खर, हैदराबाद, मटियारी, तो ये हमने अब कोशिश किया है कि उनको इंगेज करें कि वो वहाँ पे इवेंट्स भी कराएं और प्लेयर्स वहाँ से उनको खेलने का मौका भी मिले, और उनको ये जो गुड्स हैं, रैकेट्स हैं, बॉल्स हैं, वो ये स्पॉन्सर कर सकें, कि रोटरी एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमने यही सोचा कि अब एसोसिएशन के साथ एक एनजीओ को इन्वॉल्व किया जा सके, और क्योंकि रोटरी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो इंटरनेशनल फिर वो कोलैबोरेशन भी डेवलप कर सकते हैं। तो हमने ये एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट को भी आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो है उसके पास बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, और अगर हम जो स्पॉन्सर्स हैं, रोटरी हो गया, एसोसिएशन हो गई, और गवर्नमेंट सब मिल के बैठेंगे और एक स्ट्रैटेजिक प्लान बनाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला बहुत कुछ होगा, क्योंकि पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, बस हमें थोड़ा सा उनको मदद करने की ज़रूरत है। और आई थिंक इतने प्लेयर्स होंगे, जैसे चाइना में एक ज़माने में ये हुआ था, मेरे वालिद पहले नेशनल चैंपियन थे टेबल टेनिस के, वो बता रहे थे कि पाकिस्तान की वर्ल्ड चैंपियनशिप जो चाइना का एक कोई था, तो जब नेक्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप आई तो वो खुद नहीं जीत सका, इतनी स्ट्रॉन्ग टीम हो गई थी, और वो अपना टाइटल डिफेंड करने के लिए वो टीम में नहीं आ सका, ये इतना कंपटीशन उसका बढ़ गया था। तो ये लेवल है एक अमाउंट ऑफ प्लेयर्स का, तो पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा टैलेंट है और हर स्किल है हमारे पास, थोड़ी सी सरप्राइज चाहिए, और हम भी कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। फरहान साहब, अब खेलों को किस तरह देख रहे हैं? बहुत ही जवाल का शिकार हैं सारे खेल, क्रिकेट तो उसके स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, लेकिन बाकी खेलों में बहुत ही बुरा हाल है। हम लोग इस बार जो कौमी खेल है हॉकी, रियो ओलंपिक जो पिछले चार साल पहले ब्राज़ील में हुआ, 2016 में क्वालिफाई नहीं कर पाए, ना इस बार टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर पाए जो अगले साल जापान में होना है। यानी किस तरह ठीक हो पाएगा ये जो स्पोर्ट्स है, कैसे ठीक होगा? देखिए, एक चीज़ तो ये है कि प्लेयर्स भी होने चाहिए, अकेडमीज़ भी होनी चाहिए, और साथ साथ कॉम्पटिशन भी होना चाहिए, सरपरस्ती भी होनी चाहिए, मोटिवेशन भी होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि अकेडमीज़ बनाए, जैसे मिलिट्री अकेडमीज़ होती हैं ना, कि पढ़ाई होती है साथ में, उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं, उसी तरह से ये स्पोर्ट्स वाले आइडेंटिफाइड हों, ये उधर रहें हॉस्टल्स के अंदर, और जहाँ पर उनकी पढ़ाई भी हो, उनकी ग्रूमिंग भी हो, क्योंकि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे, और साइमल्टेनियसली उनकी जो है वो साथ साथ स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग भी हो और मैचेस और कॉम्पटिशन्स भी हों। हमारे मुल्क में मेजर शहर के अलावा भी जो नंबर 2 शहर्स हैं, 3 शहर्स हैं, 6 जो नंबर की सिटीज़ हैं, उनके अंदर ये अगर पहले तो ये अकेडमीज़ बनना ज़रूरी है। दूसरी बात है कि जो स्पोर्ट्स के अंदर टेक्नोक्रेट्स होने चाहिए, जो उसको स्पोर्ट्स को एक प्लान के साथ बने और जो डेडलाइंस के अंदर काम करें, जैसे एक कॉरपोरेशन चलती है। दूसरी चीज़ ये मैं ज़रूर समझता हूँ कि स्कूल और कॉलेजेस के अंदर जो पहले कलर होल्डर्स के एडमिशन हो जाते थे और स्पोर्ट्स कोटे के अंदर जो एडमिशन्स थे वो होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और जिस तरह से हबीब बैंक था, कस्टम्स था, PIA था, UBL था, और ये जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं इनके अंदर स्पोर्ट्स टीम होनी चाहिए। बल्कि मैं रिकमेंड करता हूँ कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 10,000 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, उनको 5 प्लेयर्स जो है ना वो स्पोर्ट्स के एज ए CSR गवर्नमेंट को रूल बनाना चाहिए कि वो रखेंगे और स्पॉन्सर करेंगे। देखिए, जब तक के एक यंग बच्चे को, के पेरेंट्स को ये नहीं पता हो कि फ्यूचर
देखिए स्पोर्ट्समैन का क्या फ्यूचर होता है, 35-40 तक होता है, उसके बाद तो उसका कुछ गुजारा करना है उसने, तो जब तक कि उसको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी जैसे पहले होती थी तो, और उनको तो पेरेंट्स भी इकोनॉमिक क्राइसिस है तो वो क्यों अपने बच्चे को स्पोर्ट्स में भेजेंगे। दूसरा, स्पोर्ट्स ग्रुप पे टैक्सेस नहीं होने चाहिए और गवर्नमेंट को आगे बढ़ना चाहिए, टॉप प्लेयर्स जो हैं उनको 15-20 को आइडेंटिफाई करें और 20 को आइडेंटिफाई करें और 20 के ऊपर पे खर्चा भी करें, उनको सपोर्ट भी करें। मैं आपको बात बताऊँ कि अगर आज हमारा मिनिस्टर जाके किसी एयरलाइन से बात करे कि यार ये टीम मेरी जा रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल सॉफ्ट बॉल की टीम जा रही है, आपके 4 टिकट्स जो हैं वो हमें कॉम्प्लीमेंट्री इकोनॉमी क्लास दे दें, मैं आपको 110% बता रहा हूँ कोई भी ऐसी मल्टीनेशनल या लोकल एयरलाइंस नहीं होगी। यहाँ पे हमारे मिनिस्टर्स फ्री में ट्रैवल करते हैं, हमारे बिजनेसमैन जो हैं वो अपग्रेड्स करवा लेते हैं, कोई बेसिकली इंटरेस्ट लेना है। और आप हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, जो खुद स्पोर्ट्समैन हैं, मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप स्पोर्ट्स के ऊपर अटेंशन दें, स्पोर्ट्स ही इकॉनमी का पहिया चलाता है। आप आर्टिकल्स पढ़ लें वेब पे और गूगल पे, ये यही इंडस्ट्री को चलाता है। अगर इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलना है तो पैसे मांगना तो शॉर्ट टर्म होता है, लॉन्ग टर्म मछली खिलाएं नहीं, मछली पकड़ना सिखाएं। सुना आपने कि डॉक्टर फरहानी साहब बता रहे थे कि मुल्क में खेलों की तरक्की के लिए हुकूमत को इसे तरजीही बुनियादों पर देना पड़ेगा और कोशिश करनी पड़ेगी इसे भरपूर सरपस्ती की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, टैलेंट की कमी नहीं है इस मुल्क में। कैमरामैन जिशान के साथ जावेद इकबाल, रहा न्यूज़ कराची।